गणतंत्र दिवस परेड कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित की गई 25 झांकियों में से गुजरात की झांकी को लोगों ने सबसे ज्यादा पसंद किया है। वैसे जजों ने इसे दूसरे स्थान पर रखा है। जजों की पसंद में ओडिशा टॉप पर रहा, जबकि तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा। लोगों की पसंद के मुताबिक उत्तर प्रदेश को दूसरा और आंध्र प्रदेश को तीसरा स्थान मिला है। It is a matter of collective pride and honor for the entire team of Gujarat that this year in the Republic Day, Gujarat's tableau based on the theme of Dorjo, a global icon for border tourism, has been awarded in both the judges category as well as the public choice category. The theme of the tableau was inspired by our Honorable Prime Minister's vision, which resulted in transforming a remote border village into a global tourist destination. We have come second number in judges choice and also in a popular choice we are number one. So Gujarat bags two awards and every preparation was done under the guidance of Honorable Chief Minister and Team Gujarat. गुजरात की झांकी गुजरात के कच्छ जिले के एक छोटे से गांव धोरडो पर आधारित थी, जिसने संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 की सूची में जगह बनाई है। झांकी निर्माताओं और कारीगरों की टीम को दिल्ली के राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में हुए समारोह में एक स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। गुजरात सरकार की ओर से मुझे ये झांकी बनाने का मौका मिला गया है। ये बार हम गुजरात की जो टीम थी वो थी धोरडो, जिसको UNWTO में बेस्ट विलेज का अवार्ड मिला है, तो उसके ऊपर हम ये झांकी की डिज़ाइन यहाँ पे प्रस्तुत करके लाए थे। और फिर उसकी डिज़ाइन में हमने गुजरात सरकार के ओर से काफ़ी सारे ऑफिसरों से इनपुट मिले, वो उनके गाइडेंस में मिलके हमने ये डिज़ाइन रेडी की। गणतंत्र दिवस परेड में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 16 झांकियों के साथ केंद्र सरकार के विभागों की 9 झांकियों समेत कुल 25 झांकियां प्रदर्शित की गई थीं।